नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी टैबलेट्स के अंदर जिस तरीके से प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार कर सकते हैं, और वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशंस। चाहे तो ये काम आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैबलेट में थोड़ी बड़ी स्क्रीन रहती है तो आराम से हो जाता है बस। सो आपके लिए क्या आपको क्या करना है, सिंपल सा एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर कैनवा कैनवा करके प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगी, रखा लिखा हुआ है यहाँ पर इसका नाम। इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट आप कैनवा डॉट कॉम वेबसाइट पर जाकर भी ये काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एप्लीकेशन कर लो। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है, तो और यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑफ प्रेजेंटेशन देखने को मिल जाएंगी। आप किस टाइप की प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। सो वो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की देखो टैम्पलेट्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसे कई लोगों को आइडिया नहीं लग पाता कि चलो ये प्रेजेंटेशन तो दिखा रहे हैं बट ये कैसे होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमें ये वाली यहाँ पर टैम्पलेट पसंद आई, तो हम इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस टाइप से कुछ एडिटर खुल जाता है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हो। सेम आपका टैबलेट फ़ोन जिसमें भी आप यूज़ करो ऐसे ही कुछ एडिटर खुलेगा। सो यहाँ पर जैसे कि अभी भी यहाँ पर आपको ये काफ़ी सारे अलग अलग वो दे रखे हैं, कि जैसे यहाँ पर ये इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर एक सैम्पल दे रखा है, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से एडिट करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही अपनी टैबलेट पर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा। इसको आप यहाँ से मतलब अपना कुछ भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को इंडियन टैग गुरु को लिखना है, तो यहाँ पर इंडियन टैग लिख देता हूँ मैं, और कुछ भी यहाँ पर मतलब जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो इस तरीके से चेंजेस अपने हिसाब से। तो इसको कभी कभी जैसे ऐसे हो जाए कि बस यहाँ से हमें बैक करना है, तो यहाँ पर बैक के ऑप्शंस के बटन आते हैं। इससे आपका क्या होगा, वापस से उसी फॉर्म में आ जाएगा जिसमें पहले था। तो यहाँ पर आप इस टाइप से कर सकते हो। इसके अलावा प्रेजेंटेशन के अंदर आप जैसे आपको पेजेस ऐड करने हैं, तो यहाँ पर आप ये वाला पेज ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जो अलग अलग पेजेस दे रखे हैं, यहाँ से पेजेस ले सकते हो कोई भी। और अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ यहाँ पर और चीज़ें बताता हूँ, जैसे हमें क्या करना है कि इसी पेज का हमें डुप्लीकेट पेज बनाना है जिसके ऊपर कुछ लिखा ना हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दो, क्योंकि हमें तो फ्री पेजेस चाहिए जिसके ऊपर हम कुछ भी लिख सकें। सो इसको भी यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से हटा दो, डिलीट पेज करके यहाँ पर डिलीट कर दो। ये आ गया खाली पेज। यहाँ से आपको अगर इंट्रो वाला भी हटाना है तो इसको भी हटा दो, यहाँ से इसको हटा दो। इस टाइप से हटा दिया, यहाँ पर क्लिक करो, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डुप्लीकेटेड पेजेस आ जाएगा। डुप्लीकेट पेज यहाँ पर आप अगर लैपटॉप में कर रहे हो तो सेंट्रल प्लस डी से भी कर सकते हो डुप्लीकेट पेज। तो इस टाइप से आपका क्या है, मल्टीपल ऑफ पेजेस आप बना सकते हो। यहाँ पर आप इसको जूम इन जूम आउट कुछ भी कर सकते हो। और जब आप इसको सेव कैसे करोगे, जैसे ये आपने पीडीएफ बना दिया, तो इसको सेव करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पर आपको ऑप्शन फ़ोन में तो अलग से दिख जाएगा, बाकी आप शेयर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा। और शेयर पर क्लिक करने के लिए आपको उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करना होगा, और डाउनलोड पर क्लिक करने के लिए अब आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपको कैसा बनाना है, मतलब किस फॉर्मेट में सेव करना है। लाइक आप पीडीएफ बना सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन की, और यहाँ पर आप पीपीटी यहाँ पर बना सकते हो कि मेरे को तो पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, वो यहाँ पर आप कर सकते हो। अगर आपको फोटोज़ की फॉर्म में चाहिए, जेपीजी के फॉर्म में चाहिए, कि अलग ये सारी जो टैम्पलेट्स है फोटोज़ की फॉर्म में आपकी गैलरी में सेव हो जाए, तो आप पीएनजी या फिर जेपीजी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस टाइप से आप यहाँ पर एक तरह से प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में, पीडीएफ वगैरह और जो भी आपको चाहिए। सो ये मैं बस यहाँ पर एक सीरीज बना रहा हूँ जहाँ पर आपको सारा बता दूंगा कि कैसे आप इसको और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हो। आज की वीडियो में सिंपल था कि कैसे आप प्रेजेंटेशन वगैरह बना सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर किसी को प्रो वाला चाहिए, लाइक यहाँ पर ये जैसे ये कुछ ना टैबलेट्स यहाँ पर फ्री होती है, कुछ प्रो वाली होती है। सो प्रो वाली में कई बार क्या होता है कि कैनवा का वाटर मार्क देखने को मिलेगा, और समटाइम्स आप उसको यूज़ भी नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। वैसे तो इसका प्रो आपको परचेज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं करना है फिर भी प्रो चलाना है तो उसकी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको कुछ पे वगैरह करना पड़ता है, लेकिन ये है कि ओरिजिनल प्रो चलाने के लिए, लेकिन कभी कभी जुगाड़ से भी चल जाता है, लेकिन वो मैं यूट्यूब पर यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता। आप मेरे को एक बार कमेंट कर लीजिएगा, या फिर मेरे को रीच आउट कर लेना इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आपको सिंपली समझा दिया कि कैसे आप प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार कर सकते हो अपनी टैबलेट्स के अंदर, अपने फ़ोन्स के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।